Hello everyone, I'm Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM. And here I'm back with another video. So today's video is about the TYBCOM Semester 6 GST paper and the expected practical questions which will be asked in the paper. We are going to discuss everything about the paper and it will help you to clear all the doubts. Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the Indirect Taxes Semester 6 GST paper. So most of the students are confused ki paper kis tarike se pucha jayega, paper practical hoga ya paper theory hoga, किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है और किस बेसिस पे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस है. तो ये सारे डाउट्स मैं आज के आप क्लियर करने वाला हूँ. अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सो दैट आपको अगले नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. सो मैंने TYBCOM के लिए एक रिविजनरी सीरीज चालू की है, उसमें हम रेगुलर बेसिस पे MCQs डिस्कस कर रहे हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग और GST के MCQs ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं मैंने. अगर आपने वो लेसन्स अब तक नहीं देखे हैं तो वो लेसन्स देखे मेरे प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट को चेक करें, उसमें MCQ सीरीज में जाके MCQs का प्रैक्टिस करें सो दैट आपके जो बेसिक डाउट्स है अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स वो सारे क्लियर हो जाएंगे. मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डाले हैं थियोरी के ऊपर, वो भी आप चेक कर सकते हैं. सो GST जो इस बार सेमेस्टर 6 में इंट्रोड्यूस हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, अब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के माइंड में है कि किस बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंस आपको अभी पेपर तो 100 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, बट फ्रॉम दिस 100 मार्क्स हम ये भी देखेंगे आज की कौन से बेस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस चैप्टर के बेसिस पे आ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देखे तो सिलेबस है, नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन ऑफ द GST, नंबर 2 है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, नंबर 3 है टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ द सप्लाई, नंबर 4 है इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, नंबर 5 चैप्टर इज रजिस्ट्रेशन अंडर GST लॉ. तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको 5 चैप्टर्स है और उस बेस पे आपको ओवरऑल 60 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा, जो 60 मार्क्स आपके लिए प्रैक्टिकल होंगे. रिमेनिंग 40 मार्क्स में 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंड 20 मार्क्स के ऊपर आपको थियरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है, ये आपके बुक्स में भी अवेलेबल होगा, जस्ट एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर ए में MCQs आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस. आपको 12 MCQs पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 10 सॉल्व करने हैं, 10 मार्क्स. ऐसा कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं गया है कि MCQs ही आएंगे, बट बेसिकली MCQs ऑप्शन के साथ ही पूछे जाते हैं. सो 12 आएंगे, आपको 10 सॉल्व करने हैं, आपको मिलेंगे 10 मार्क्स. फिर मैच द फॉलोइंग आ सकता है या ट्रूअल फॉल्स आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. अगेन दैट विल बी ऑल्सो 12 आएंगे, उसमें से आपको 10 सॉल्व करने हैं एंड विच विल कैरी 10 मार्क्स. फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा वो प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 मार्क्स के ऊपर. इसके ऑप्शन में भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा विच विल बी फॉर 15 मार्क्स. आगे मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कौन से टाइप के बेसिस पे आपको पूछे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, अगेन उसके ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 मार्क्स के लिए. फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड, बट एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है और वो है क्वेश्चन नंबर 3 हो या 4 हो, जो भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको 10 और 5 के बेसिस पे या 8 और 7 के बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है. तो दो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और वो यूजुअली दो क्वेश्चंस इस साल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. डायरेक्टली एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होगा और उसके ऑप्शन में 8, 7 या 10, 5 के क्वेश्चंस भी आने के चांसेस है. देन क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा जाएगा थियरी क्वेश्चंस, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर 10 मार्क्स के लिए लिखना है और एक बी वाला वो भी लॉन्ग आंसर 10 मार्क्स के लिए लिखना है. अगर आप ये दो आंसर नहीं लिखना चाहते तो आप शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो मैं प्रीफर करूंगा और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, बिकॉज वी हैव ऑप्शंस इन प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट. सिंस 6 शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे, उसमें से हमको 4 सॉल्व करने विच विल बी कैरिंग 20 मार्क्स. तो अभी हम चेक करते हैं कि किस बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखो, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है उसमें दो टाइप के ऊपर टैक्सेबल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नंबर 1 इज नॉन टैक्सेबल सप्लाईज एंड नंबर 2 कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज.
तो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे मिक्सचर हेड के बेस पे, जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है। उस बेस पे दो वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक नॉन टैक्सेबल सप्लाईज एंड कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज के बेस पे, जो मैंने आपको अभी बताया। हेड्स को मिक्स करके दिया जाएगा और बोला होगा जीएसटी कैलकुलेट करो, 9% हो या 5% है, तो अकॉर्डिंगली सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। द नेक्स्ट इज टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसके ऊपर आपको तीन क्वेश्चंस आने के चांसेस है। एक है टाइम ऑफ सप्लाई, एक है प्लेस ऑफ सप्लाई, एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेसिकली देखो तीन कंसेप्ट है तो तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं। वन कैन बी टाइम ऑफ सप्लाई, अनदर कैन बी प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द नेक्स्ट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई के भी सारे डेट्स, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ सर्विस, वो बेस पे जो प्रैक्टिकल डेट्स आइडेंटिफाई करते हैं वो वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई गिनना है। तो इस बेस पे ये चैप्टर में से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तीन आ सकते हैं या फिर मिनिमम दो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें आपको पूछा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट के पॉइंट दिए जाएंगे, कुछ सेल्स के पॉइंट दिए जाएंगे। तो काफ़ी सिंपल फॉर्मेट है, टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको टोटल जीएसटी आ जाएगा। फिर कॉलमनर बेस पे आपको डिवाइड करना है कि अगर सेम स्टेट में गुड्स बेचा है तो आपको लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर आपने डिफरेंट स्टेट में गुड्स बेचा है तो आपको लगेगा आईजीएसटी, और अगर यूनियन टेरिटरी से कुछ रिलेटेड है तो आपको लगेगा यूटीजीएसटी। तो इसमें भी आपको एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहां पे आपको जीएसटी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जीएसटी लाइबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, इसके ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें लिमिट है नॉर्मल पर्सन्स के लिए 20 लाख का लिमिट है, 20 लाख के ऊपर जिसका भी टर्नओवर होगा वो वाला एक रूल, और दूसरा रूल है अगर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो उसके लिए 10 लाख का लिमिट है। तो इसमें आपको टैक्सेबल परचेस, टैक्सेबल सेल्स ऐसा दिया जाएगा और हमें उसके बेसिस पे कंडीशन लिख के कि जो पर्सन रहेगा वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन से डेट से हो रहा है, कौन से मंथ से हो रहा है, वो ढूंढना है। वो भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ओवरऑल दिस इज रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क इन दी पेपर। सो काफ़ी अच्छे लेवल पे मैंने आपको बता दिया है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस किस चैप्टर पे से आएंगे, और बेसिकली आपके सिलेबस में इतने सारे चैप्टर्स है तो हर एक में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव ऑप्शंस इन द पेपर, सो काफ़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस टाइम फर्स्ट टाइम जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है तो पेपर भी ओवरऑल ईजी ही पूछा जा सकता है, और जीएसटी में वैसे ज़्यादा कैलकुलेटिव चीज़ें नहीं है जो आपके टीवाई लेवल पे पूछी जा सकती है। इसलिए जितना मैंने आपको बताया है आप अगर उतने बेस पे अगर प्रॉपर प्रिपरेशंस करोगे, सारे सम्स को प्रैक्टिस करोगे, तो आप इजीली 60 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स ला सकोगे, और रिमेनिंग जो 40 मार्क्स है उसमें से जो 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स आपके जो थियोरी पूछे जाएंगे, वो थियोरी पे मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थियोरी का एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो वो भी देखो, सो दैट आपका ये जो जीएसटी के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि सर किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम कंफ्यूज है कि वेदर प्रैक्टिकल विल बी आस्क और थियोरी विल बी आस्क और प्रैक्टिकल भी, तो किस बेसिस पे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर एज यू आर नॉट हैविंग एनी जीएसटी पेपर, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम टीवाई में ये सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, तो किस बेस पे पेपर आ सकता है। तो ओवरऑल इसी बेसिस पे पेपर आ सकता है, तो काफ़ी ईजी पेपर आएगा अगर आप प्रॉपरली सबको कैलकुलेट करके चीज़ों को देखोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो, सो दैट उनको भी ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स है जीएसटी से रिलेटेड वो पता चले। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने मत भूलना, एज वेल एज जैसे जैसे मैं आगे की वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशंस आते रहेगा। एज यूजुअल टिल देन, बाय बाय, वर्क हार्डर बी स्मार्टर।